दोस्तों, इस साबुन को जरा आप गौर से देखिए। ये साबुन ना तो किसी फैक्ट्री में बनाई गई है, ना ही किसी इंडस्ट्री में। ये हैंडमेड सोप है, यानी कि हस्त निर्मित साबुन। दोस्तों, आपको बता दूं, हैंडमेड सोप को बनाना बेहद आसान है। इसे आप बेहद आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। यदि आप एक छोटा कुटीर उद्योग भी खोलना चाह रहे हो, तो आप साबुन बनाकर इसकी बिक्री भी कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाजार में जो साबुन आते हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए होते हैं। बाजार में जो साबुन आते हैं, प्रायः उसमें सोडियम लॉरिल सल्फेट नाम का केमिकल मिला हुआ होता है। आपको बता दूं, सोडियम लॉरिल सल्फेट SLS एक होमिंग एजेंट है, जिसका उपयोग साबुन के अलावा डिटर्जेंट में भी झाग लाने के लिए किया जाता है। आपको बता दूं, ये सोडियम लॉरेल सल्फेट है, ये एक हार्मफुल केमिकल है। कुछ रिपोर्ट्स तो दावा करती है कि इससे कैंसर तक हो सकता है। इसके अलावा ये केमिकल स्किन में इरिटेशन कॉज करता है, आंख में इरिटेशन कॉज करता है, हेडेक लाता है। इसके अलावा स्किन से संबंधित गंभीर समस्याओं को भी जन्म देता है। तो बाजार में जो साबुन आते हैं, उसमें ट्रिक लोशन और पैराबिन्स नाम के केमिकल्स मिले हुए होते हैं। तो आपको बता दूं, ट्रिक लोशन और पैराबिन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए इन केमिकल का उपयोग एग्रीकल्चर में एज अ फंगिसाइड भी किया जाता है। ये दोनों केमिकल्स भी बेहद हार्मफुल केमिकल्स हैं। ये स्किन में इरिटेशन कॉज करते हैं, साथ में आई में इरिटेशन कॉज करते हैं, लंग में भी गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं। और आपको बता दूं, ये जो पैराबीन है, ट्रिक लोशन है, इसका उपयोग साबुन में प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। इन केमिकल को साबुन में यदि डाला जाए, तो साबुन लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो इसके अलावा बाजार में जो साबुन आते हैं, उसमें डायोक्सेन नाम का भी केमिकल मिला हुआ होता है। आपको बता दूं, डायोक्सेन एक सॉल्वेंट है, जिसका उपयोग साबुन बनाने वाली इंडस्ट्रीज में किया जाता है। डायोक्सेन के प्रभाव से स्किन में इरिटेशन होता है, आईज में भी इरिटेशन होता है। इसके अलावा ये हमारे हॉर्मोन्स के नॉर्मल फंक्शनिंग को भी इन्फेक्ट करता है, और साथ ही लंग में भी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। आपको बता दूं, बाजार में मिलने वाले साबुन में यूरिया का भी उपयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग साबुन में मॉइस्चराइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके अलावा यूरिया का उपयोग करने से साबुन जो है वो सॉफ्ट बनते हैं। आपको बता दूं, यूरिया का उपयोग साबुन में प्रतिबंधित है, और यूरिया के उपयोग से बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। स्किन में इरिटेशन होती है, स्किन से संबंधित गंभीर बीमारियां होती हैं, और साथ ही ये हमारे लंग को भी अफेक्ट करता है, आई को भी अफेक्ट करता है। दोस्तों, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये हैंडमेड सोप, इसमें बहुत ही कम केमिकल का उपयोग किया जाता है। इसमें ग्लिसरीन सोप बेस का इस्तेमाल किया गया है, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया गया है, और कलर के लिए इसमें टर्मरिक पाउडर का उपयोग किया गया है, और परफ्यूम के लिए इसमें लेमन ग्रास ऑयल का उपयोग किया गया है। और ये जितने भी इसमें सब्सटेंस उपयोग किए गए हैं, ये हमारे स्किन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज मैं आप लोगों को हैंडमेड सोप बनाने की विधि बताऊंगा, जो कि बेहद आसान है। आप इस विधि को फॉलो करके अपने घर में भी बहुत आसानी से इस तरह के हैंडमेड सोप बना सकते हैं। ये सोप आपके स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और ये साबुन से संबंधित एक छोटा कुटीर उद्योग भी अपने यहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि आप एक रोजगार का साधन भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस हैंडमेड हर्बल सोप को बनाने के लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करेंगे, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि इस हैंडमेड हर्बल सोप बनाने के लिए हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों, ये ग्लिसरीन है, इसका उपयोग हम सोप बेस के रूप में करने जा रहे हैं। ग्लिसरीन के बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स भी हैं। इस ग्लिसरीन को हम लोग एज अ फोमिंग एजेंट भी यूज करने जा रहे हैं। ग्लिसरीन को सोप में डालने से फोम यानी कि झाग बहुत अच्छी बनती है, और इसके अलावा ग्लिसरीन जो है स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है।
ग्लिसरीन में एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लिसरीन है ये काफी अच्छी क्वालिटी का ग्लिसरीन है। ये बाजार में आपको 100 से 200 रुपए तक में प्रति किलो मिल जाएंगे। और मैं आपको यही बोलूंगा, जब भी आप सोप बेस के रूप में ग्लिसरीन का उपयोग करें, अच्छी क्वालिटी का ही ग्लिसरीन को उपयोग करें। दोस्तों, ग्लिसरीन को सोप बेस के रूप में इस्तेमाल करने से पहले आप ग्लिसरीन को चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीस में काट लें। तो ये टर्मरिक पाउडर का उपयोग भी हम हैंडमेड सोप में करने जा रहे हैं। आपको बता दूं, टर्मरिक का उपयोग हम सोप में कलर के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा टर्मरिक के बहुत से स्किन बेनिफिट्स और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। टर्मरिक में कुरकुमिन नाम का एक बायोकेमिकल पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए और स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कुरकुमिन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके अलावा टर्मरिक में हल्दी में वाउंड हीलिंग यानी कि चोट को भरने वाली प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। दोस्तों, ये संतरे का छिलका मैंने लिया हुआ है। ये संतरे के छिलकों को हमने सुखा लिया है। अभी इसको हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के इसका उपयोग भी हम सोप में करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो संतरा है इसका उपयोग यदि सोप में किया जाए तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। ये ऑरेंज के जो छिलके होते हैं स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। इसके अलावा इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। चला दोस्तों, ये एलोवेरा जेल का भी उपयोग हम सोप बनाने के लिए करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये प्योर एलोवेरा जेल है। ये एलोवेरा जेल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्किन बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा जेल को भी हम लोग फोमिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं सोप में। एलोवेरा जेल स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेट रखता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। दोस्तों, रोज ऑयल या फिर रोज वाटर का उपयोग भी आप सोप में कर सकते हैं। रोज वाटर या रोज ऑयल का उपयोग करने से साबुन में जो खुशबू आती है बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा भी रोज वाटर का बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये रोज वाटर हमारी स्किन को रिहाइड्रेट रखता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और रोज वाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे स्किन के डैमेज सेल को रिपेयर करने में मदद करते हैं। तो ये तुलसी का तेल है, इसका उपयोग भी हम हैंडमेड सोप में कर सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग ऑप्शनल है। तुलसी के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो चाहे तो आप अपने हैंडमेड सोप में ऑलिव ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल नेचुरली स्किन को मॉइस्चराइज करने में, हाइड्रेट रखने में मदद करता है। ये जो आप हैंडमेड हर्बल सोप देख रहे हैं इसमें कलर के लिए टर्मरिक पाउडर का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर कलर इस सोप में आया हुआ है। और आप ये जो सोप देख रहे हैं, हैंडमेड सोप देख रहे हैं, इसमें कलर के लिए अनाटो पाउडर यानी कि सिंदूर के पाउडर का उपयोग किया गया है। और आप कलर देख सकते हैं कि कितना सुंदर कलर इसमें आया हुआ है। ये जो सिंदूर अनाटो पाउडर होते हैं इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये जो सिंदूर का पाउडर होता है ये इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और साथ ही में ये जो पाउडर होता है सिंदूर का ये हमारे स्किन के डैमेज सेल को भी रिपेयर करने में मदद करता है। और आप ये जो सोप देख रहे हैं इसमें नीम की पत्तियों को ग्राइंड करके मिलाया गया है। नीम की पत्तियों का उपयोग भी आप यदि सोप में करेंगे तो उसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्किन के में बेनिफिट्स हैं। नीम की जो पत्तियां होती है उसमें एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। हमने संतरे के छिलके को मिक्सी में ग्राइंड कर बारीक पाउडर बना लिया है। दोस्तों, इस सिलिकॉन मोल्ड में हम लोग आज सोप बनाने जा रहे हैं। ये 100 ग्राम की कैविटी है, इसलिए हम लोगों ने ये करीब 400 ग्राम के आसपास ग्लिसरीन सोप बेस लिया हुआ है और इसे हम लोग बारीक इसको स्मॉल क्यूब्स में काट लिए हैं ताकि ये आसानी से गल जाए। दोस्तों, सोप बनाने के लिए हमें इस तरह से दो कंटेनर का उपयोग करना है। एक कंटेनर में हमको पानी को गर्म करना है
जिस कंटेनर में हम पानी गर्म करेंगे वो बड़ा कंटेनर होना चाहिए, और उसके अंदर हम एक छोटा कंटेनर लेंगे जिसके अंदर हम ग्लिसरीन को डालकर इसे गर्म करेंगे। आपको बता दूं, ग्लिसरीन को हमको कभी भी डायरेक्ट आंच में गर्म नहीं करना है। इस तरह से दो कंटेनर लेंगे, एक में पानी को हम बॉयल करेंगे, दूसरे कंटेनर को हम उस बॉयल पानी में डाल देंगे और फिर इसमें हम ग्लिसरीन को डालेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था आपको, मैंने 400 ग्राम ग्लिसरीन लिया हुआ है क्योंकि मैं चार सोप बनाने जा रहा हूँ। देखिए आप, ये जो ग्लिसरीन है, अब ये धीरे धीरे बॉयल हो जाएगी। तो जब भी आप ग्लिसरीन को गर्म करें, आप इस तरह से बीच बीच में चम्मच चलाते रहे ताकि ग्लिसरीन जो है वो आपके बर्तन के चिपक ना जाए, इसलिए इसके लिए जरूरी है कि आप बीच बीच में इस तरह से चम्मच को चलाते रहें। अब देखिए कि हमारा जो ग्लिसरीन है ये धीरे धीरे पूरी तरीके से पिघलते जा रहा है। जैसे ये पूरी तरीके से पिघल जाएगा, हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लिसरीन है ये पूरी तरीके से पिघल गया है। 400 ग्राम ग्लिसरीन लिया है, इसके हिसाब से हम करीब 40 ग्राम एलोवेरा जेल इसमें डालेंगे, यानी कि प्रति सोप 10 ग्राम एलोवेरा। डालने के बाद हमको इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिला लेना है। इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, आंच उस समय चालू होनी चाहिए और ग्लिसरीन को हमको ठंडा होने नहीं देना है, नहीं तो ये सेट हो जाएगा। तो 400 ग्राम ग्लिसरीन में हम 40 ग्राम ये ऑरेंज का पिसा हुआ हम जो बारीक छिलका है इसको मैं डालने जा रहा हूँ। इसे मैं 40 ग्राम उपयोग करने जा रहा हूँ। अब आप देखिए कि इसका जो ग्लिसरीन का कलर है वो चेंज होते जा रहा है। देखिए कितना सुंदर कलर ये ऑरेंज के छिलके का पाउडर डालने के बाद ग्लिसरीन में आ रहा है। से चम्मच को आप अच्छी तरीके से चलाते रहे। जब भी कोई इंग्रेडिएंट हम इसमें मिलाएंगे हमको चम्मच को अच्छी तरीके से चलाते रहना है ताकि वो इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन में अच्छी तरीके से मिल जाए। अब आप देखिए कि कलर चेंज होते जा रहा है ग्लिसरीन का। 100 ग्राम में मैं 4 ग्राम टर्मरिक पाउडर का उपयोग करने जा रहा हूँ। टर्मरिक पाउडर को भी हमको ग्लिसरीन में डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है। 400 ग्राम ग्लिसरीन में मैं 4 ड्रॉप रोज ऑयल का उपयोग करूंगा। इसको सोप मोल्ड में डालना है, इसे हमको बहुत सावधानी से डालना है। सारे सोप मोल्ड को हम पूरा फिलअप कर देंगे और हमको इस बात का ध्यान रखना है कि सोप मोल्ड को फिलअप करने के बाद सोप मोल्ड को हमको बिल्कुल नहीं हिलाना है। ये सोप को सेट होने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और ये हमारा साबुन पूरी तरीके से इस मोल्ड में सेट हो गया है। अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ये साबुन कितनी अच्छी तरीके से सेट हुआ है। अब हम लोग इसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे। साबुन को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए बस इसको हल्का सा हमें नीचे से पुश कर देना है। ये देखिए कितना सुंदर शेप और कितना सुंदर कलर का ये हैंडमेड साबुन बना हुआ है।